ऑल राइट, तो अब हम निकल चुके हैं यूबी सिटी मॉल के लिए, यूबी सिटी एरिया के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज 7th या 8th वीडियो फ्रॉम बैंगलोर, और हो सकता है ये टूरिंग या एक्सप्लोरिंग का लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इफ एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड कल शाम की अपनी ट्रेन है फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई। तो जो बैंगलोर डायरीज का वीडियो है ये कल एंड हो जाएगा, विच विल बी बैंगलोर टू मुंबई ट्रेन जर्नी से। बट फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं यूबी सिटी मॉल, और ये जो रोड है, ये जो रास्ता है, ये मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी जगह मैं गया हूँ इसी रास्ते से गया हूँ मोस्टली। सो या आप लोगों ने ये रास्ता काफ़ी बार देखा होगा वीडियो में, एंड इससे पहले कोई ये कहे कि भाई आपने एक ही बार रिकॉर्ड किया है उसी को बार बार दिखा रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने हर बार रिकॉर्डिंग की है। हाँ, ऑब्वियस सब जगह तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, तो मैंने हर बार रिकॉर्ड किया है। एनीवेज आई डोंट थिंक कि इस रोड पे कुछ खास अब बचा है दिखाने लायक, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्किप दिस पार्ट, और मैं आपको किसी टर्निंग पॉइंट या कुछ नया कुछ दिखता है तो मैं आपको सीधा वहाँ मिलूँगा। एंड द क्लाइमेट इज क्लाउडी येट अगेन, आई होप आज बारिश ना हो, लेट्स होप दैट्स इट। ऑल राइट, बैंगलोर में आपको ट्रैफिक ना मिले ये तो पॉसिबल नहीं है ना, छोटी मोटी हल्की ट्रैफिक मिलनी ज़रूरी है, आफ्टर ऑल बैंगलोर में ट्रैफिक उसकी पहचान है। और ये देखो मेरे राइट में छपरे ड्राइवर, मतलब यहाँ पर जहाँ मुझे सुना हो कि डबल सीट के साथ डबल हेलमेट कंपलसरी है, वहाँ ट्रिपलिंग मार रहे हो और एक भी हेलमेट नहीं है, मतलब अलग लेवल का जिगरा चाहिए इसके लिए भाई। एंड एज़ आई सेड कि हम जा रहे हैं यूबी सिटी, सो मैंने सुना है कि इट्स डेवलप्ड बाय विजय माल्या, डोंट कोट मी ऑन दिस, मैंने सुना है, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट चलो हम मिल वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या है। आई थिंक हम लोग आ चुके हैं, अरे कुछ ऐसा है कि आप साउथ बॉम्बे, साउथ बैंगलोर, साउथ दिल्ली साइड जाते हो तो आप काइंड ऑफ यू नो एक अलग वाइब या अलग फीलिंग लग जाती है, और ये इतने लग्जूरियस प्लेसेस साउथ साइड में भी होते हैं, साउथ बॉम्बे में है, साउथ दिल्ली, साउथ बेंगलोर में क्यों होते हैं, नॉर्थ साइड में क्या ख़राब है। एनीवेज आई थिंक हम लोग पहुंच चुके हैं जो राइट हैंड साइड में ब्राउन कलर की बिल्डिंग है, मुझे वही लग रहा है यूबी सिटी मॉल। अब मुझे पहले यहाँ पर देखना है कि एंट्री कहाँ से, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर अलग लेवल का है, लोकल लैंग्वेज पढ़ना आता नहीं है और किसी से पूछोगे तो समझना अलग पड़ता है। मैं लोकेशन देख के सीधा आपको अंदर मिलता हूँ, पार्किंग वार्किंग करके बकायदा। सो यस, हम लोग अंदर आ चुके हैं, दिस इज़ यूबी टावर जो मेरे सामने आप देख रहे हो फिलहाल, या दिस इज़ द यूबी टावर, दैट इज़ JW मैरियट होटल विथ हेलीपैड, ऊपर हेलीपैड है उसके, और ये जो है दैट इज़ एक सेकेंड, ये तो मॉल है, और जो सामने आप देख रहे हो देर इज़ यहाँ लाइव म्यूज़िक चालू है भाई, अलग ही वाइब है एकदम, यहाँ पर अलग ही वाइब है एकदम, वाइब में लाइव म्यूज़िक का। और ये देखो दिस इज़ द होटल जो मैं बोल रहा था, ये यूबी टावर है, पेंट हाउस भी, ये जो ब्लू वाली बिल्डिंग थी राइट में दैट इज़ किंग फिशर बिल्डिंग है, आई डोंट नो अंदर क्या होता बट या, और ये वो लाइव म्यूज़िक एंजॉय करो, मुझे कुछ नहीं होगा सुपर ऑब्सर्व दिस टावर। एंड ये शायद वो फाउंटेन है जो टाइम टू टाइम चालू होता है, अपना बंद होता है, तभी फिलहाल के लिए इट्स वेट,
बट यहाँ का आर्किटेक्चर अमेजिंग। फिलहाल मैं यहाँ से उतर जाता हूँ कि मुझे बिगिनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। सो हम चलते हैं मॉल के अंदर, थोड़ा मॉल के अंदर का भी पार्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं, व्हाट इज़ इट। सो कुछ ऐसा दिखता है मॉल अंदर से, बाहर से काफ़ी छोटा लग रहा था बट अंदर से इट इज़ ह्यूज, लिटरली इट इज़ ह्यूज। और तो आप नीचे चलते हैं क्योंकि कुछ खास तो बचा नहीं है, सब देख चुके हैं हम लोग। एंड देखो मर्सिडीज़ को ऐसे ही खड़ा कर दिया भाई ओपन में, मतलब कोई साथ में खड़ा भी नहीं आजू बाजू में, लगा दिया ऐसे ही, यही है भाई आर्किटेक्चर, एक नंबर है बस, नो डाउट। एंड वैसे तो आपको यहाँ पर शॉपिंग करना नहीं है, उसका एक रीज़न है कि आप जो भी ब्रांड देख लो यहाँ पर, लुई विटॉन, माइकल कॉर्स, कैनेली, एम्पोरियो अरमानी और जो भी बॉस वगैरह जितने भी ब्रांड्स हैं, जिमी चू, आप अगर चले गए ना लाख रुपए से कम की शॉपिंग करोगे नहीं। तो फिलहाल शॉपिंग के मूड से हम आए भी नहीं, तो करना भी नहीं है, बट आर्किटेक्चर इज़ अमेजिंग अमेजिंग। तो पता नहीं क्यों उस पॉइंट का मुझे कहा गया कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो बोला ठीक है जितना करना था कर लिया, अभी चलते हैं, वैसे भी हमको लोग घर पे जाना है। एंड कल शाम तक अगर मैं कहीं और गया तो और जगह एक्सप्लोर करके वीडियो आएगी, अदरवाइज़ ये आज का लास्ट वीडियो होगा फ्रॉम एक्सप्लोरिंग बेंगलोर में, लास्ट वीडियो होगा। तो अभी देखना है एग्ज़िट कहाँ पर है, एग्ज़िट लिखा तो यहीं पर है। ओके एक सेकंड, जाने से पहले एक चीज़ करना है, मुंबई में दिखता, मुंबई में जल्दी दिखता नहीं ये जगह, यहाँ करना है। और जितने लोग मुंबई का निखिल को फॉलो करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, ये मुंबई में जल्दी करना है, जल्दी दिखता नहीं है, यहाँ तो करना बनता है ना। ऑल द निखिल, मुंबई का निखिल फॉलोवर्स डेफिनेटली रिलेट करो, मुंबई का निखिल के फॉलोवर्स पक्का रिलेट कर पाएंगे, बाकी लोग शायद रिलेट ना कर पाए, तो जाकर उसके वीडियोज़ देख लो मुंबई का निखिल के। एनीवेज अपना काम हो चुका है यहाँ से, अब हम निकलते हैं बाहर और चलना है अभी घर की, कुछ शॉपिंग भी करनी बाकी है ऑब्वियसली, यहाँ से नहीं वहाँ बाहर से करना है कहीं और से, वो पार्ट शायद मैं रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, आई एम नॉट सो श्योर। एग्जिट कहाँ है यार, लेफ्ट राइट, यार लिखा लेफ्ट में भेज रहे हो राइट से, मतलब बोला ना यहाँ लैंग्वेज बैरियर अलग है, अलग लेवल पे यहाँ पर बात करना सीखना पड़ेगा आपको। मैं फटाफट एक काम करता हूँ, मैं एग्ज़िट लेके थोड़ा बाहर चल के फिर आपसे बात करता हूँ। ऑलराइट, तो हमने लोकेशन वगैरह सब डाल दिया है, अरे क्लिक हो जा, हाँ लोकेशन डाल दिया हमने, अब हम चलते हैं घर की तरफ। सो एज आई वॉज सेइंग, यूबीसीटी इज़ बिल्ट बाय विजय माल्या, ऐसा मैंने सुना है। फिर जो मैंने एक बिल्डिंग दिखाया था ब्राउन मॉल के पीछे ब्लू कलर की, दैट इज़ किंगफिशर बिल्डिंग, जहाँ पर ऑफिस वगैरह सब कुछ है। एंड जो यूबी टावर है उसके टॉप फ्लोर जो पेंट हाउस है उसमें शायद विजय माल्या का घर है, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे कोट मत करना इफ़ इट इज़ रॉन्ग। ऑल्सो यहाँ पर जो ये लाइव, जो यहाँ पर लाइवली म्यूज़िक वगैरह है, यहाँ बोलते हैं कि अगर आप रात को आओ तो इट्स मोर यू नो एनर्जेटिक प्लेस दिन के कंपैरिजन में। आई थॉट कि मैं को रात को आना चाहिए बट मुझे नहीं पता था कि इतना लाइवली एटमोसफियर है यहाँ पर, वरना मैं शाम के टाइम ही आता। एनीवेज अब हम ऑलमोस्ट चल चुके हैं घर की तरफ, आधे रास्ता कवर भी कर लिया है। यहाँ आके सॉफ्टवेयर पार्क तो नहीं गए, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जाएंगे, बट आई एम थिंकिंग कि नारियल पानी रोड पर पीना तो बनता है, सो आई एम जस्ट लुकिंग आउट फॉर नारियल पानी वाला, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मैं देखा था यहाँ के सेल आउट कर रहे थे लोग, तो अभी मैं वो देख रहा हूँ कि कहाँ पर है, अगर मिल गया तो पी के जाएंगे, नहीं तो वो भी अगली बार के लिए रखना पड़ेगा। ऐसे मैंने घर पे पिया है बट रोड पे पीने का मज़ा अलग आता है। सो देखना पड़ेगा किधर लगाया है, आई थिंक सो आगे लगाया है, सब गाड़ियाँ खड़ी तो हैं, अभी यहाँ पर पियेंगे कि नहीं देखने दो। हाँ यहाँ पर तो है, यहाँ पीने के आगे पियेंगे हम लोग, आगे भी एक बार आगे चलते हैं। आई डोंट नो मैंने वहाँ क्यों नहीं पिया, ये मुझे भी नहीं पता है क्यों नहीं रुका, बट कोई नहीं आगे एक और है वहाँ रुक के पीते हैं। और आई डोंट थिंक कि मैं इस वीडियो को और लंबा करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद कुछ है का नहीं, मैं घर पर जाऊँगा एंड वही सेम रूट सेम रास्ता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने लायक। मैं फ़िलहाल जाता हूँ नारियल पानी पीता हूँ, आप लोग भी जो पीना चाहो पी सकते हो,
डिपेंडिंग आप कहाँ पर हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और डेफिनेटली मैं आप लोगों से जल्दी मिलूँगा नए वीडियो के साथ। टिल देन आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक केयर, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। मेरा नारियल पानी किधर गया? हाँ, नारियल पानी मिल गया है, मैं पीता हूँ नारियल पानी। आप लोग करिए एंजॉय। आई सी यू गाइज विद अनदर वीडियो वेरी सून। स्टे सेफ।